प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा श्रीवास्तव ने आशा कार्यकर्ताओं के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की अपनी बहनों की मांगों को लेकर। प्रदेश आशा कार्यकर्ता संगठन की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा श्रीवास्तव, आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है हमारी मांगों को लेकर। मांगे तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले जो भ्रष्टाखोरी चल रही है हमारे मध्य प्रदेश में, जो आशा कार्यकर्ता बहनों को लेकर जो करोड़ों का हमारा बजट आ रहा है केंद्र सरकार से और राज्य सरकार भी दे रही है, इसके बावजूद भी अपने आला अधिकारी हमारी बहनों को मुर्गी कैसे अंडे, तो अंडे तो भुट्टे पेट में जा रहे हैं लेकिन दाने डाल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे भोपाल डिवीजन में सिर्फ आशा कार्यकर्ताओं को 10,000 का मोबाइल दिया गया है, बाकी पूरे 52 जिले में, एक जिला चुनाव मतलब 50 जिले में कहीं भी किसी को मोबाइल नहीं दिए गए हैं, वो पैसा बजट कहाँ चला गया। दूसरी बात, जो आशा कार्यकर्ता बहन है उनका जो पोर्टल पे तो पूरा पैसा चढ़ता है, जैसे किसी एक आशा कार्यकर्ता का 10,000 रुपया बना, 10,000 में से उसका पूरा पोर्टल भी दिखाएगा 10,000 का 10,000, लेकिन उसके खाते में जब एंट्री कराते तो 5,000 रुपया आता है। ये पूरे मध्य प्रदेश की भ्रष्टाचारी है, पूरे आला अधिकारियों की भ्रष्टाचारी है। ये बताइए आप, जो 24 घंटे आला अधिकारी छाती पर चढ़े रहती है, आप काम करिए नहीं आपको हटा दिया जाएगा, यानी कि उनको मानसिक रूप से इतना प्रताड़ित कर दिया गया है। मेरी मांग है मुख्य की आशा कार्यकर्ता को जो टुकड़ों में पैसा दिया जाता है जो बंद कर दिया जाए, और एक जो 10,000 रुपया दिया जाए, और जो इंसेंटिव का 2,000 दिया जाता है वो 5,000 दिया जाए, और जो आशा पर्यवेक्षक बहन है हमारे लिए 15 से 16 गांव कवर करती है उसके लिए 15,000 रुपया फीस कर दिया जाए, और 300 रुपया प्रति पेट्रोल के हिसाब से दिया जाए, एक के साथ एक फ्री रहता है, उनका पति भी जाता है, बताइए रोजी रोटी कहाँ से चलेगी। टीएडीए भत्ता दिया जाए उनके लिए 300 रुपये रोज के साथ। और पहली बार जो जनवरी में 2022 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आशा कार्यकर्ता बहनों के लिए जो 7 इंसेंटिव बढ़ाए थे आज तक नहीं दिए गए हैं। मेन चीज वो है जो आशा कार्यकर्ता बहन के लिए 600 से 1200 रुपए की डिलीवरी की गई थी और हमारी बहनों के लिए बढ़ाया गया था, वो आज तक नहीं दिया गया है, वो बजट हमारा कहाँ है। इसलिए आज हमने मतलब सरकार का आकर्षित ध्यान कराने के लिए इन सब चीजों के लिए आज हमारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। अगर मेरी बातें नहीं मानी गई तो 20 तारीख तक पूरे मध्य प्रदेश में काम बंद करा दूंगी, स्वास्थ्य विभाग को खुली लग जाएगी, ये मेरा वादा। जिंदाबाद।